राधे राधे दोस्तों, आज मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके के भिंडी की रेसिपी लेकर आए हैं जो आप सबको बहुत पसंद आएगी। एकदम स्पेशल तरीका है स्पेशल वाले तड़के के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने 500 ग्राम भिंडी लिए, इसे दो टुकड़ों में कट कर लिए हैं। उसके बाद से एक बड़े बॉल में डालेंगे भिंडी, सारी भिंडी को। उसके बाद से देखिए, यहाँ पर दो बड़े चम्मच के करीब बेसन डालेंगे। कुछ जाएगा इसमें मसाले, तो यहाँ पर सबसे पहले आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जाएगा गरम मसाला पाउडर। इन सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। इसे मिक्स करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि भिंडी अपना पानी छोड़ दे। तो देखिए, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिए, इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ढक के। ये अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक कटोरी से थोड़ा सा कम दही फेटा हुआ लिए हैं, एक से दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर तीखे के अनुसार, एक चम्मच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच लेंगे जीरा पाउडर, चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, और इन सभी मसालों को दही के साथ बहुत ही अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो चलिए मसाले को फेंट लेते हैं दही के साथ। तो चलिए अपने भिंडी को फ्राई करते हैं। तो गैस पर कढ़ाई रख के गरम कर लिए हैं, इसमें दो चम्मच छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से गरम होने देंगे। ऑयल गरम होते ही इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ भिंडी डालेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छे से भिंडी अपना पानी छोड़ दिया है, बेसन भिंडी में कोट हो गया है। बस यहीं पे भिंडी को डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। तो देखिए, भिंडी को फ्राई करते हुए करीब 5 से 7 मिनट हो चुका है, हमारी भिंडी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई। अब इसे निकाल लेते हैं। अपनी सारी भिंडी निकाल लिए, आप बस इसमें तेल डालेंगे एक चम्मच बड़ा चम्मच, और इसमें डालेंगे सरसों और अजवाइन। अजवाइन और सरसों का तड़का लगाएंगे। उसके बाद से देखिए, दो बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, और प्याज को अजवाइन के साथ अच्छे से 2 मिनट तक भूनेंगे। तो देखिए, प्याज को भूनते हुए 2 मिनट हो चुका है। अब यहीं पे 4 से 5 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़िया लगेगा। तो चलिए इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। तो देखिए, हमारा प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब यहीं पर अपना फेटा हुआ जो दही के साथ मसाला फेंट के रखे थे, सभी मसालों को डाल देंगे, और गैस फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, इसे लगातार चलाएंगे, नहीं तो हमारी दही फट जाएगी। तो देखिए, मसाले को भूनते हुए करीब 3 से 4 मिनट हो चुका है, मसाले बहुत अच्छे से भून गया है, इसका तेल भी सेपरेट होना शुरू हो गया। वे पे थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ा सा और भून लेते हैं 1 से 2 मिनट। तो दोस्तों, मसाले आप जितने भूनेंगे उतने ही सब्जी में टेस्ट बढ़िया आएगा। तो मसाले भूनते समय ध्यान रखें, मसाले को जितना हो सके उतना भूनें। मसाले अच्छे से भून चुका है, अब अपना फ्राई किया हुआ भिंडी डालेंगे और इसे भी 2 मिनट तक मसाले के साथ इस तरह से चलाएंगे। अब चलिए इसमें पानी डाल लेते हैं। तो इसमें हम करीब 1 से 1.5 गिलास छोटे गिलास से पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी यूज किए हैं, आधी गिलास और पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें सब्जी को चावल के साथ खानी है। हमने पानी डाल दिया, अब चलिए इसे ढक के 5 मिनट तक पका लेते हैं। आप देख सकते हैं, सब्जी को पकाते हुए करीब 5 मिनट हो चुकी है, हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब यहीं पे गैस को कर देते हैं बंद। तो लीजिए, हमारे स्पेशल तड़के वाली भिंडी की सब्ज़ी बन के हो गए रेडी। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए ओके, बाय।